मूर्ख के साथ दोस्ती। एक बार एक गांव में एक बहुत बड़ा सोने का व्यापारी रहता था। उसका नाम विष्णु था। उसकी दुकान शहर में थी। हर रोज वो शहर जाकर दुकान में बैठता और रोज जो भी मुनाफा होता वो उस पैसों को बचे हुए जेवरात को अपने साथ घर वापस ले आता। एक दिन जब वो शहर से वापस गांव आ रहा था तभी रास्ते में उसे एक मुसाफिर मिला। भाई कहाँ जा रहे हो? रामपुर। अरे भाई मैं भी वहीं जा रहा हूँ, चलो हम दोनों साथ साथ चलते हैं, इससे ये सफर आसान हो जाएगा। इतना कहकर वो दोनों साथ बातें करते हुए चल रहे थे। बातों ही बातों में वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो गए। चलते चलते शाम हो गई थी। उन दोनों को अब डर लगने लगा था क्योंकि वहाँ रात में चोरों का डर रहता था। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। वो लोग इसी झोपड़ी में आज की रात आराम करना चाहते थे। उन्होंने निर्णय लिया कि विष्णु झोपड़ी के अंदर सोएगा क्योंकि उसके पास जेवरात थे। वो मुसाफिर बाहर चटाई डालकर ठंडी हवा में सो गया। आधी रात होने के बाद दो चोर वहाँ पर आए। एक पेड़ के नीचे बैठकर वो चुराए हुए चीजों का बंटवारा कर रहे थे। दोनों के बीच बातों बातों में बहस हो गई। बाहर सो रहे मुसाफिर को उनकी आवाज सुनाई दी। वो चुप रहो कहकर सो गया। तुम चुपचाप सो जाओ। तुझे क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? मैं बहुत अमीर हूँ, देख मेरे पास सोने का सिक्का है, मुझसे तमीज से बात कर। चोरों ने उसके हाथ से वो सिक्का खींच लिया और देखने लगे। ये कोई नकली सिक्का नहीं है, ये असली सोने का सिक्का है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो अंदर सो रहे हैं मेरे सुनार दोस्त से पूछ लो। ये सुनकर चोर झोपड़ी के अंदर चले गए। वो जेवरों और पैसों से भरी थैली चला ली। सुनार अपने पैसे और जेवरात चोरी हो जाने के कारण रोने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मूर्ख के साथ दोस्ती करना मूर्खता है। कुत्ते की चतुरता। एक दिन एक कुत्ता गुम के जंगल आ गया। वो बहुत चतुर था, फिर भी वो जगह नहीं होने के कारण किस क्षण में कहां से कतरा आ जाए करके भयभीत हो रहा था। उसकी संदेह के आधार पर एक बड़ा शेर उसकी तरफ आ रहा था। अचानक उसकी सांसें रुक गए। समझो शायद आज ही मेरा आखिरी दिन होगा, इस जंगल में घूम के प्राण ऊपर ले लिया। बोल के उसकी तरफ आ रहे शेर को देख डरने लगा। तभी उसके आसपास कुछ हड्डियाँ दिखे। तुरंत उनसे उसके दिमाग में मस्त विचार आया। उन हड्डियों में एक को खाते हुए उसकी नजदीक आ रहे बड़े शेर को देख कहा, वाह शेर का मांस बहुत स्वादिष्ट है, मैं अब तक इतनी स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। पेड़ के पीछे शेर सब कुछ सुन रहा था। कुत्ता फिर से कहा कि लेकिन क्या करूं? मेरा भूख तो आधा ही मिटा और एक शेर यहाँ से गुजरेगा तो उसे भी मार के मेरा पूरा पेट भर लूंगा। कुत्ते की बातें सुनकर बड़ा शेर सोच में पड़ गया। ये कुत्ता आम नहीं शेर का शिकार करके खा गया, अभी भी यहाँ पे रुका तो मेरे प्राणों को खतरा है। बोल के भयभीत होकर भागते हुए बड़े शेर को देख कुत्ता सांस लेके आराम से हंस पड़ा। फिर पेड़ पे बैठकर एक बंदर सब कुछ देख के उसने यह सोचा कि महाराज शेर को मेरे मित्र बनाने के लिए अब जीवन में आगे बड़े बड़े जानवरों से बचने के लिए यह अच्छा अवसर है। मैं अभी ये बात तुरंत उनको बताकर प्रशंसा लूंगी। उसने यह सोचते हुए शेर के पास गया। बंदर ने कुत्ते की धोखा देने वाली बात उसे पूरी तरह बता दिया। यह सुन के बड़ा शेर गुस्से से गरजा, मेरे साथ ही खेल क्या, अभी उसकी खबर लेता हूँ, चलो। बोल के शेर और बंदर कुत्ते के पास जा रहे थे। बंदर और शेर को कुत्ता देख बड़ा खतरा ही होगा। उसकी होशियारी से एक तरकीब सोची और कहा, हे यार बंदर, बड़े शेर को रहने के लिए बोलकर एक गंदा हो गया, तुम्हारी बातों में उलझा कर इसे मनवाने के लिए देर हुआ होगा। ठीक है जल्दी से उसे यहाँ भेज दो, मुझे बहुत भूख लग रहा है। यह सब सुन के शेर कांपने लगा। बंदर ने उसके
के साथ विश्वासघात की, सोचकर उस पर पंजा लड़ाकर पीछे ना देखते हुए भाग निकला। देखा ना मित्रों, हमारे आसपास ऐसे बंदर बहुत होते हैं। उन्हें पहचान कर सतर्क रहिए। और एक बात है कि चतुरता से बड़ा शस्त्र और कुछ नहीं। गौरैया के बदला। एक जंगल में बरकत का पेड़ के ऊपर दो गौरैया के जोड़ी रहता था। उन दोनों ने उस पेड़ के ऊपर एक अच्छी से घोंसला भी बनाया। वहाँ उन्होंने तब तक कुछ अंडे भी रखे जिनमें उनके बच्चे पैदा होने वाले हैं। इन दोनों में से मर्द गौरैया रोज खाना ढूंढने चला जाता था। उस पेड़ के बगल में ही एक हाथी रहता था। वो बहुत शरारती था। एक दिन दोपहर के धूप को वो सह नहीं पाया और उस बरकत का पेड़ के नीचे आया। उस गर्मी की वजह से उसको बहुत गुस्सा आया और गुस्से से उस पेड़ के डाली जिसमें वहाँ अंडे थे उसको जोर से खींचा। उससे जो गौरैया उड़ गया वो, हे भगवान, ये क्या कर दिया, मेरे अंडे, मेरे अंडे, ऐसा उस गौरैया बहुत रोया और वो पूरा डाली गिर गया। उसके साथ साथ अंडे भी टूट गए। जो बच्चे बनने वाले थे वो मर गए। ये सोचकर गौरैया बहुत दुखी हुआ। हाथी बिना नीचे देखे उस अंडे को कुचलकर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद जब मर्द गौरैया घर आया उसने उसको अपना पूरा दुख भरी कहानी बताया और उसने बताया कि उस हाथी को सबक सिखाना पड़ेगा। लेकिन मर्द गौरैया ने कहा कि इतना बड़ा जानवर को हम कैसा सबक सिखा सकते हैं। थोड़ी देर बाद उनके दोस्त सारस वहां पर आया। दोस्त, क्या रो रहे हो, क्या हुआ? उस दुष्ट हाथी ने मेरे बच्चों को मार दिया। अगर तुम मेरा सच्चा दोस्त होता तो हमको हाथी को सबक सिखाने का मार्ग दिखाओ, ऐसा उस स्त्री गौरैया ने पूछा। सारस उसको थोड़ी देर शांत कराया और बताया कि उसको एक मक्की पता है और वो उस हाथी को सबक सिखाने के लिए अच्छा तरीका बताएगा। तुरंत ही दोनों मिलकर मक्की को मदद मांगने के लिए अपना सफर शुरू किया। वो दोनों मक्की के पास जाकर, ये गौरैया मेरा दोस्त है, एक दुष्ट हाथी ने इसके बच्चों को मार दिया, उसको सबक सिखाना पड़ेगा, तुम ही कुछ तरीका बताओ। मैं एक मेंढक को जानता हूँ, वो बहुत चतुर है, वो हमको जरूर तरीका बताएगा, ऐसा उस मक्की ने कहा। सब मिलकर उस मेंढक के पास गए और पूरा कहानी बताया। तब मेंढक ने ऐसा कहा, अगर हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे तो वह हाथी क्या कर सकता है। मक्की दोस्त, दोपहर को जब धूप उसके सर पर होगा तब तो जाकर उसके कानों के पास अपने अच्छे से आवाज सुनाना, और जब वो हाथी अपने आंख बंद करेगा तब सारस जाकर उसको अपने चोंच से प्रहार करेगा, तभी उसको कुछ भी नहीं दिखेगा और उसको प्यास लगेगा और पानी के लिए ढूंढेगा। मैं कीचड़ के पास जाकर चिल्लाना शुरू करूंगा, तब वो पानी है सोचकर वहां आएगा और वहां आते ही वो उस कीचड़ में फंस जाएगा। ऐसे ही सब लोग अगले दिन तरीकों को सही तरह से अपनाया और तरीके के अनुसार वो हाथी कीचड़ में फंस गया। इस तरह गौरैया ने अपने दोस्तों की सहायता से हाथी को अच्छे से सबक सिखाया। इस कहानी का नीति ये है कि सामने वाला जितना भी ताकतवर हो उसको चतुराई से जीत सकते हैं। कौवा और कबूतर बने शेर के मंत्री। एक जंगल के राजा शेर बना, उसकी मंत्री कबूतर को चुन लिया गया। वो कबूतर बहुत अच्छा था, ऊपर से बाकियों की मदद करने हर समय तैयार रहता था। उस जंगल के पास एक छोटा गांव था। उस गांव में एक बड़ा किसान रहता था, बेचारा बहुत कर्ज में डूब गया। एक दिन वह किसान पास के शहर में जाके कुछ काम करके पैसा कमाने की सोचा। इस गांव से शहर जाने के बीचों बीच के जंगल के रास्ते से चल पड़ा। इतने में उड़ती हुई मंत्री कबूतर उसके सामने आया। ध्यान से, आगे आगे बहुत जंगली जानवर है, आप जल्दी से पीछे मुड़ जाइए, नहीं तो आपके प्राण मुसीबत में पड़ जाएंगे। वह वापस नहीं जा सकता करके उसकी परेशानी कबूतर से कहा। उस किसान के कष्टों को देख कबूतर पिघल गया। उसको महाराज शेर के पास ले जाकर मदद करने को कहा। उसकी स्थिति देख धरस खा के शेर ने भी पैसे, सोना, कोटिया दिए। तुम्हें आगे आके किसी भी तरह की छोटी सी भी कष्ट हो तो निर्भय होकर मुझसे मिलो, मैं जो होगा वो मदद करूँगा। उस बहुत कीमती पोटलियों को देख वह किसान बहुत खुश होकर वापस उसके गाँव चल पड़ा। ऐसे समय बीतता गया, उस किसान के पास का पूरा धन खत्म हुआ। वह फिर से शेर को मदद मांगने उस जंगल पहुंचा, लेकिन इस बार जंगल में बहुत सारे परिवर्तन थे। कबूतर के बूढ़ा होने के कारण उसके स्थान पर कौवा मंत्री बना।
कौवे ने किसान को देख तुरंत शेर को शिकार करने को कहा। उसकी आवाज सुनते ही शेर तुरंत पंजा लड़ाते हुए उस किसान को पहचान कर रुक गया। अच्छा तो तुम हो मंत्री, ये हमारा शत्रु नहीं मित्र है, इन्हें हम पहले ही दंड देके मदद कर चुके। महाराज अतीत की बात और अब की बात अलग है, अगर आपके मदद करने पर भी कल ये फिर आ जाएगा, ऊपर से इसका और हमारा मित्र जात है ही नहीं, अलग जात है। इस पर अभी इसी क्षण पंजा लड़ाकर इस जंगल को बचाना ही राजा का धर्म है। कौवे की बातें सही लगने से एक क्षण भी ना सोचते हुए शेर गरजते हुए उस किसान पे उछल पड़ा। इस कहानी की नीति यह है कि हमारे आसपास के लोग जैसे ही हमारी सोच होती है। शेर कबूतर के साथ था तो उस किसान को अच्छा किया, पर कौवे के कारण कष्ट पहुँचाया। इसीलिए हमें कभी भी अच्छे लोगों से मित्रता करने से ही अच्छा नाम मिलता है।